वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह सुबह का समय है, बज रहे हैं सुबह के 7। आज मैं बहुत ज्यादा ही जल्दी उठ गई, और इतनी जल्दी मैं कभी उठती नहीं, मतलब मेरी नींद 6 बजे ही खुल गई थी। और बस मैं अभी सोच रही हूँ कि आज से थोड़ा खुद पर ध्यान दिया जाए। सुबह सुबह से उठकर आज इतना अच्छा लग रहा है, तो मैं इतनी जल्दी सुबह उठती नहीं हूँ। और बाहर का जो नज़ारा और जो हल्की हल्की सी ठंड मुझे लग रही है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही फ्रेशनेस फील हो रहा है अपने आप में। तो बस मैं अभी अपने शूज़ पहनती हूँ और निकलती हूँ। तो मैं सोच रही कि कम से कम आधा घंटा तो मैं चल फिर कर आऊँ बाहर। तो बस चलते हैं फिर वॉक पर। तो मैं अभी एकदम रेडी हूँ वॉक पर जाने के लिए, और प्लीज़ मेरे टी शर्ट पर कमेंट मत करना कि मैं ये क्या पहन रही हूँ, वॉक पर जाने से मतलब है। तो बस मैं निकल रही हूँ, शूज़ वगैरह पहन लिया है मैंने। तो आधा घंटा तो मैं सोच रही हूँ कि आधा घंटे के लिए वॉक पर तो जाना बनता है। तो बस अभी निकलती हूँ मैं। तो मैं अपनी सोसाइटी के बाहर तक तो आ चुकी हूँ। अब यहाँ से ये 2 रास्ते जाते हैं, और 2 रास्ते में से कहाँ जाऊँ समझ नहीं आ रहा। तो एक ये रास्ता है जहाँ से हम रोज़ आना जाना करते हैं, और एक ये रास्ता है जो ऊपर थोड़ी चढ़ाई की तरफ जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज इस रास्ते पर आगे बढ़ा जाए। तो मैं अभी इस साइड जाने वाली हूँ जहाँ से रोज़ आना जाना होता है, तो ज़्यादा नहीं 5-10 मिनट में वापस आ जाऊँगी। करती हूँ कि ये मेरा सबसे पहला दिन ना बन के रह जाए जब मैं वॉक कर रही हूँ, ऐसे ही रोज उठ सकूँ और इन प्यारे प्यारे फूलों का मजा भी ले सकूँ। ये बहुत जल्दी अभी झड़ने लग गए हैं, झड़ो देरी हो गए हैं ये तो। ऑलमोस्ट 15 मिनट्स हो गए हैं मेरे को इस रोड पर चलते हुए, मतलब कि मैंने 2 से 3 राउंड कम्प्लीट कर लिया है। तो मैं सोच रही हूँ अभी 15 मिनट में और चल लेती हूँ, लेकिन अब इस रोड से मैं बोर हो गई हूँ। तो मैं सोच रही सीधा सीधा चला जाए और 15 मिनट और चलूँगी तब, क्योंकि अभी उतना पसीना आया नहीं है, सिर्फ हाँफ रही हूँ क्योंकि मैं बहुत तेज चल रही हूँ, जैसे कि मेरी चलने की आदत है ही नहीं। ओह गॉड। तो अभी मैं जा रही हूँ सामने वाली रोड पर, यहाँ ऑलरेडी मैंने 3 राउंड मार लिए हैं। तो गाइस शाम हो चुकी है, शाम के बज रहे हैं 5, और हम लोग रेडी होकर अभी जा रहे हैं थोड़ा सा मार्केट, क्योंकि कुछ सामान लेना है घर का, कुछ जरूरी काम है, तो वो सारे के सारे आज निपटाने हैं। और आज लविश से मिले नहीं थे, तो ये रहा मेरा लविश, मेरा छुटकू सबसे पहले तैयार होकर रेडी हो गया ना, फर्स्ट प्रेस। केक, हाँ लविश को केक खाना है तो केक भी लेना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी काम है। और ये रहा लविश और लवी के पापा। लविश के पापा रे लविश के पापा, लवी के पापा तो लंबा है। अरे यार कैमरा तो पकड़ लिया करो भाई साहब। हाँ तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो बता दो।
हम लोग जा रहे हैं लवेश के लिए केक लेने और बस बस और थोड़ा सा बिग बाजार में टाइम पास करने के लिए, लेना नहीं लेना वो वाला बात है। नहीं नहीं ज्यादा सिर्फ टाइम पास ही होगा बिग बाजार। आई जस्ट वांट टू लव दिस केक। वीडियो को बनाते हैं वो ऑफर दे देंगे। हम लोग तो सिर्फ देखेंगे, अगर कुछ अच्छा लगा तो ही लेंगे, नहीं तो कुछ नहीं। चले चलो फिर चलो फर्स्ट प्लेस। तो हम लोग अभी पहुंच गए हैं, ये है तुलसी बाजार, पुणे का बहुत ही फेमस मार्केट है। तो मैं अभी आप लोगों को घुमाने वाली हूँ यहाँ का बहुत ही फेमस मार्केट। यहाँ से कुछ एक दो सामान है जो लविश के लिए लेना है। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाली हूँ वो वूलन शॉप जहाँ से कि मैं हमेशा वूल खरीदती हूँ और ऑनलाइन से जहाँ पर मुझे रीजनेबल प्राइस बची चलता है तो मैं हमेशा वही चीज़ परचेज करती हूँ। भी पहुंची हूँ वूलन हाउस में, यहाँ से मुझे लेना था वूलन। तो ये वो शॉप है जहाँ से मैं अक्सर अपने लिए वूलन लेती हूँ, अपने प्रोडक्ट्स के लिए, अपने हैंडमेड प्रोडक्ट्स के लिए वूलन लेती हूँ। तो यही एकमात्र जगह है, यही एकमात्र शॉप है जहाँ से कि मैं अक्सर वूल लिया करती हूँ। और फाइनली अभी मैं ले चुकी हूँ, अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं।
अब हम लोग घर वापस जा रहे हैं और इसी के साथ ये व्लॉग भी मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ और आप लोगों से मिलूँगी सीधा कल। तब तक मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय।